Assalamu alaikum students. I'm Nadia Rana and I have teach you English subject. Functional English basically हमें English grammar teach करनी है और ECAT Func की तैयारी करनी है और मेरा ख्याल है कि बहुत सी चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जिसको students समझते हैं कि जैसे बहुत मुश्किल कुछ सामने आने वाला है लेकिन बहुत technical और बहुत आसान चीज़ें होती हैं जिनको हम छोटी छोटी tips के ज़रिए बड़ी आसानी से कर लेते हैं. तो हम आज से ऑनवर्ड कोशिश करेंगे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, हम कोशिश करेंगे कि हम इजी कर दें अपनी उस जुबान को जिससे हमें डर सा लगता है. तो हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो चीज़ कंफ्यूज करती है दैट इज़ टेंसेस. लोग टेंसेस को लेकर और यूज ऑफ वर्ब को लेकर कंडीशनल सेंटेंसेस को लेकर बड़े कंफ्यूज होते हैं और आपका एक मेजर पोर्शन जो है वो इसी सेक्शन में से आता है. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये टेंसेस क्या हैं और इनको आसान कैसे किया जा सकता है. तो बच्चे हम अब टेंसेस की ट्रिक सीखते हैं कि टेंसेस को कैसे समझा जाता है और इसकी एप्लीकेशन कहाँ क्या गलती है, ये मिस्टेक पकड़ना कैसे पता चले कि कौन सा प्रॉब्लम एरिया है उसको लोकेट करना और उस प्रॉब्लम एरिया में से आपने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी इस ई कैट की क्लास में. चलें अब हम आते हैं टेंसेस पर. टेंसेस, ये वर्ड टेंसेस, टेंस क्या होता है? टेंस होता है जमाना. हमारे पास बेसिक जो टेंसेस हैं वो हैं तीन. कौन कौन से टेंस? इसका मतलब होता है ये जमाने हैं और हमारे पास बेसिक टेंस जो आ रहे हैं वो थ्री हैं. वो थ्री कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट, मैंने टेंस का वर्ड नहीं लिखा, अभी मैंने सिर्फ प्रेजेंट का वर्ड लिखा. क्यों नहीं लिखा ये बात मैं आपको भी समझाती हूं. उसके बाद आता है जी पास्ट और फिर फाइनली आता है फ्यूचर. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, बेसिकली वी हैव थ्री टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. कितनी अजीब बात है, हम कहते हैं कि पहले गुजरा हुआ दिन आता है, फिर मौजूदा दिन आता है, प्रेजेंट आता है, फिर फ्यूचर आता है. लेकिन जब हम टेंसेस करने बैठते हैं तो हम सबसे पहले, ओके आई विल यूज ब्लैक मार्कर नाउ. थोड़ी बेटा डिफरेंट कलर्स यूज करूंगी तो डिफरेंस आपको समझ आएगा. डिफरेंट कलर्स, यहां पे मुझे थोड़ी चीजें लिखनी थी तो मैंने टेंसेस के नाम ब्लू मार्कर से लिखे. जब मैंने मटीरियल लिखना है तो मैंने ब्लैक मार्कर लिखना है क्योंकि आपका ज्यादा कंसर्न मटीरियल से है. ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि हमने सबसे पहले प्रेजेंट टेंस क्यों यूज किया. प्रेजेंट टेंस बच्चों पहले इसलिए यूज करते हैं क्योंकि प्रेजेंट में जो इंसान जिंदा है उसी का एक पास्ट है, उसी का कोई फ्यूचर है. जो दुनिया से जा चुके उनके साथ उनका माजी हाल मुस्तकबिल भी खत्म हो गया पास्ट में ही. जो प्रेजेंट में है और उन्हीं का पास्ट है, उन्हीं का फ्यूचर है. जो फ्यूचर में आए हैं उनका कोई पास्ट नहीं. तो तीन जमाने उसके साथ होते हैं जो मौजूद होता है, पहली बात. दूसरी बात यह कि प्रेजेंट वो टेंस है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा कंट्रोल में है. वी कैन चेंज आवर प्रेजेंट, वी कैन हैव अमेंडमेंट्स इन इट. हम जो तब्दीली भी ला सकते हैं अपने प्रेजेंट में ला सकते हैं. माजी जो भी था, जैसा भी था, उससे हम सबक तो सीख सकते हैं लेकिन उसको बदल नहीं सकते. फ्यूचर के बारे में हमें एक लम्हा नहीं पता. अगर खुदा की मर्जी ना हो तो मैं ये दरवाजा टाप के यहाँ से बाहर नहीं जा सकती. तो इसका मतलब है सिर्फ प्रेजेंट टेंस है जो इंसान के कंट्रोल में है. आने वाला जमाना आना है या नहीं हमें नहीं पता. पास्ट जो भी था उसने हमें जिंदगी के सबक दिए लेकिन उसको हम ठीक नहीं कर सकते. जिस चीज को हम ठीक कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है. सो वी टेक प्रेजेंट एट फर्स्ट पोजिशन. सबसे पहले हम प्रेजेंट को लेते हैं, फिर हम पास्ट को लेते हैं और फिर हम फ्यूचर को लेते हैं. ठीक है, अब आपने ये देखना है
कि मैंने सिर्फ वर्ड्स लिखे हैं प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, मैंने इनके आगे अभी टेंस नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? बेसिकली इसकी एग्जांपल हम लेंगे कि टेंसेस क्या चीज है। तो उसकी एग्जांपल हम कुछ ऐसे लेते हैं जैसे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीन भाइयों, ठीक है, तीन भाइयों और तीनों की आगे चार चार औलादें हों, ठीक है। अब तीनों की औलादों के नाम लिखते हैं। पहला है जी प्रेजेंट इनडेफिनेट, इनडेफिनेट। इसी तरह पास्ट इनडेफिनेट, तीसरा है फ्यूचर इनडेफिनेट। दूसरे नंबर पर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैंने अभी भी टेंस का वर्ड साथ नहीं लिखा। फिर है पास्ट कंटिन्यूअस। फिर है फ्यूचर कंटिन्यूअस। राइट, आप वापस आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। फिर है पास्ट परफेक्ट। फिर है फ्यूचर परफेक्ट। अब आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बल्कि टेंस में अभी भी नहीं लिखती, सबके साथ एक साथ ही लिखेंगे। अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहां तक आप देखो कि हमने क्या किया। मैंने बोला जैसे तीन भाई हो और तीनों भाइयों की चार चार औलादें हों, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ये स्प्लिट होते हैं फर्दर चार चार सेक्शंस में। नाम इनके क्या हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही चार नाम पास्ट के साथ और यही चार नाम यानी सर नेम फादर नेम के साथ, यही चार नाम इन टेंसेस में भी आते हैं, ठीक है। अब हमने ये देखना है, ये हो गए फोर बेसिक थ्री टेंसेस। जब वो फोर फोर ईच में फर्दर स्प्लिट हुए तो ये हो गए 12 टेंसेस। तो टोटल नंबर ऑफ टेंसेस है 12। अब हम आते हैं इस चीज के ऊपर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपने मुझे फौरन फौरन आंसर करने हैं और हम ये देखेंगे कि आप कितना समझ पा रहे हो मेरी बात को। इस चार्ट को मैं एक दफा एक मिनट के लिए पीछे होती हूं, आपने इस पूरे चार्ट को ध्यान से देखना है और मुझे ये बताना है कि इसमें वर्ड एक वर्ड स्कैन करना है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कितनी टाइम यूज हुआ है। वर्ड कंटिन्यूअस डिटेक्ट कीजिए बच्चों, कितनी दफा वर्ड कंटिन्यूअस यूज हुआ है इस चार्ट में, रिप्लाई कीजिए। हरिया बच्चों रिप्लाई कीजिए, मुझे आपके रिप्लाईज चाहिए। यस यस यस, 6 टाइम्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस और यहां पे भी देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के सेक्शन में 2 टाइम, पास्ट के सेक्शन में अगेन 2 टाइम और इसी तरह फ्यूचर के सेक्शन में भी 2 टाइम्स। तो हमारे पास 2, 4, 6 6 टाइम एक वर्ड हमने यूज किया है और वो है कंटिन्यूअस। आपके टेंसेस में याद रखिए आप करेक्शन करने वाले हैं और करेक्शन के सेक्शन में आपके लिए फौरन एकदम माइंड में आना कि ये कौन सा टेंस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 6 टेंस हैं, ओवरऑल टोटल टेंसेस कितने थे? 12। 12 में से 6 टेंस ऐसे हैं बेटा जो कंटिन्यूअस हैं।
जब भी आपके सामने कंटिन्यूअस टेंस आएगा उसमें आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे। तो चलो हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी तरह कंटिन्यूअस, मैंने कुछ नहीं देखा कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, मैंने ये भी नहीं देखा ये इसमें परफेक्ट का वर्ड आता है कि नहीं आता, सिर्फ एक चीज देखी है कि सेंटेंस कंटिन्यूअस है। तो मैंने इसके अंदर लगा दिया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हमारे पास जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, लोग कहते हैं थ्री हैं, प्रेजेंट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एक फॉर्म हम क्या यूज करते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड करो तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कि ये फर्स्ट फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। लोग इसको एक फेक नेम भी देते हैं, फेक नेम, एक्चुअली फॉर्म्स ऑफ वर्ब थ्री ही हैं। हम आईएनजी फॉर्म को एक अलग से नाम फोर्थ फॉर्म का भी दे देते हैं ताकि डिफरेंस पता चले कि फर्स्ट फॉर्म इज समथिंग डिफरेंट और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो हमारे पास वो जो फोर्थ फॉर्म जिसे हम फेक नेम दे रहे हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये 12 में से 6 टेंस में यूज होता है, 6 टेंसेस में। अब मैं अपना क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करती हूं और आपने मेरी फिर मैं आगे से हट जाऊंगी और आप फिर मेरे इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। आप मुझे बताएंगे, अब हम एक वर्ड टेंस सब में ऐड कर लेते हैं, ये सब टेंस हैं, टेंसेस हैं, जमाने हैं। जमाना होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन जमाने हमारे पास हैं। अब मैं वर्ड टेंस, देखो मैंने एक डिफरेंट कलर से यूज किया है क्योंकि मैं आगे जाके इसकी भी एक टिप आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसा एक डिफरेंट कलर क्यों यूज किया। अच्छा जी, अब मैं सवाल चेंज कर रही हूं। मेरा सवाल पहला था स्कैन कीजिए वर्ड कंटिन्यूअस, जो आपने स्कैन किया और बिल्कुल ठीक किया कि 6 टाइम वर्ड कंटिन्यूअस आ रहा था। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, वर्ड परफेक्ट टेंस कितनी दफा आ रहा है इस चार्ट में, आंसर नहीं, हरी आप, परफेक्ट टेंस कितनी दफा आ रहा है इस चार्ट में, कमॉन, आई वांट आंसर्स। चले आंसर आना शुरू हो गया मुझे बेटा, 6। टोटल टेंस कितने थे, 12, और आपके पास एक आंसर अभी तक मेरे पास ठीक आया। आपको मैंने पूछा स्कैन करो वर्ड, आपने मेरा क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना, मैंने कहा था स्कैन करो वर्ड कंटिन्यूअस, वो एक सिंगल वर्ड था कंटिन्यूअस, मैंने इग्नोर कर दिया था प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट या वर्ड टेंस, सब इग्नोर कर दिया था और मैंने एक वर्ड स्कैन करने को कहा था। अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा चेंज था, क्वेश्चन मेरा ये था कि परफेक्ट टेंस कितनी दफा आ रहा है। आपने क्या किया है, जो गलती की है, यस 3 टाइम्स आपने किया, काउंट करके देखते हैं। ये जी परफेक्ट टेंस 1, परफेक्ट टेंस 2, परफेक्ट टेंस 3, 3 टाइम परफेक्ट टेंस आया। मैं आगे भी जाती हूं, आपने इनको भी काउंट किया क्योंकि यहां पे भी परफेक्ट टेंस आ रहा है, यहां पे भी परफेक्ट टेंस आ रहा है, यहां पे भी परफेक्ट टेंस आ रहा है, लेकिन यू हैव इग्नोर्ड वन थिंग, यू हैव इग्नोर्ड दैट इट हैज कंटिन्यूअस वर्ड बिटवीन दिस, दीज टू वर्ड्स परफेक्ट एंड टेंस, वी हैव कंटिन्यूअस इन बिटवीन, इन दोनों के दरमियान में कंटिन्यूअस भी है। मेरा सिंपल सा सवाल था कि परफेक्ट टेंस, साफ साफ लिखा हुआ परफेक्ट टेंस सिर्फ 3 दफा आता है,
बाकी तीन दफा परफेक्ट टेंस नहीं है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. सो वी हैव थ्री टाइम्स परफेक्ट यूज परफेक्ट टेंस इन दिस चार्ट. सो जस्ट थ्राइस. आप चीज देखो, हमने चीजों को आसान करना है, मुश्किल है ना, इनको आसान करना है, अपनी टिप्स पे करना है. अपने फ्लो चार्ट में हर टेंस का सीक्वेंस देखो कि परफेक्ट टेंस कितने नंबर पर आ रहा है. 1, 2, 3, तो थर्ड नंबर पर परफेक्ट टेंस आ रहा है. इधर आ जाओ पास्ट में, 1, 2, 3, थर्ड नंबर पर परफेक्ट टेंस आ रहा है. सेम इज द केस विद फ्यूचर एंड टेंस, 1, 2, 3, थर्ड नंबर पर परफेक्ट टेंस आ रहा है. हर टेंस के थर्ड नंबर पर परफेक्ट टेंस आ रहा है. और परफेक्ट टेंस टोटल कितने थे? 3. आप याद रखिएगा कि परफेक्ट टेंस में हमेशा ये 3 है, थर्ड नंबर पर आते हैं, और इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है. थर्ड फॉर्म इनमें यूज होती है. तो जो 3 का वर्ड है ना, ये परफेक्ट टेंस के लिए फिक्स है. ये परफेक्ट टेंस के अलावा कहीं और इस्तेमाल नहीं होता. ठीक है, ओके. एक दफा रिपीट करते हैं. अभी तक हमने जो पढ़ा, हमारे पास बेसिक टेंसेस थे 3, स्प्लिट हुए, और ओवरऑल टोटल टेंसेस बन गए 4 सेक्शंस ईच स्प्लिट किए तो 12. 12 में से 6 टेंस कंटिन्यूअस के हैं, जिनमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है. अब हमने देखना है, यानी 6 निकाल दो, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, बाकी 6 टेंस बचे. ठीक है, 6 में से 3 टेंस ऐसे हैं जो परफेक्ट के हैं, उनमें थर्ड फॉर्म आती है. तो अभी तक हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो यूज की हैं, हमने हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम एक फेक नेम दे रहे हैं, यानी के फोर्थ फॉर्म. ठीक है, तो इनमें से हमने क्या क्या यूज कर लिया. ये जो फोर्थ फॉर्म हमने बोली, इसको हमने 6 टाइम्स यूज किया है. 12 टेंसेस हैं, इनमें से 6 टाइम्स हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को यूज किया है. 3 टाइम्स हमने थर्ड फॉर्म को यूज कर लिया है. अब देखो, 6 प्लस 3 9, हमें ये पता चल गया 9 टेंसेस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है. टोटल टेंसेस हैं 12, तो बची कितनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब. हमारे पास बची हैं 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, 3 टेंसेस. कौन कौन से 3 टेंसेस? इनडेफिनेट के तीनों टेंसेस. ठीक है जी बेटा, मारिया क्या क्वेश्चन है बच्चे, जल्दी बोलो. इंग्लिश का पीरियड बाकी क्लासेस से छोटा है, सो 20 मिनट्स का है सिर्फ. सो हरिया डू आस्क मी अ क्वेश्चन, जल्दी जल्दी पूछो, जल्दी जल्दी पूछो. यूट्यूब की चैट मेरे पास चल तो रही है, लेकिन इतनी दूर है कि मुझे फोकस करने में प्रॉब्लम हो रहा है. मारिया बेटा, क्वेश्चन जो भी है आप लिखो, मैं अभी आपको इसका आंसर कर दूंगी, तब तक मैं आगे चलती हूँ. ठीक है, आपने अभी टेंसेस के चार्ट में क्या देखना है, आपने देखना है कि आपके पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब में दे का हो पता नहीं क्या लिखा है बेटा, देख रहा हूं. चले, हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब थी 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. यूज हमने इसमें से की है 2, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड थर्ड. टेंसेस हमारे पास बचे, अच्छा डीएई के हो, ओके. हमारे पास 3 टेंसेस बचे और फॉर्म्स ऑफ बची है 2, फर्स्ट एंड सेकंड. तो टेंसेस है 3, फॉर्म्स ऑफ वर्ब है 2, तो इसका मतलब है कोई एक फॉर्म ऐसी है जो 2 टेंसेस में यूज होगी, फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक फॉर्म ऐसी है जो इन 3 टेंसेस में एक ही दफा यूज होगी. ठीक है, तो लगा के देखते हैं कहां क्या लगेगा. सबसे पहले अजी, आपका टेंसेस का चार्ट कहां से शुरू हो रहा है? आंसर मी क्विकली. टेंसेस का चार्ट
फर्स्ट टेंस कौन सा है? जल्दी करें बेटा, कंप्रिहेंशन प्रैक्टिस कब स्टार्ट करेंगे? आज आपका पहला लेक्चर है और टेंसेस थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं. मैं ड्यूरिंग टेंसेस नहीं, लेकिन जब भी मैं आपको नाउन प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस कराऊंगी या पंक्चुएशन की प्रैक्टिस कराऊंगी, आखिरी 5-7 मिनट में आपका एक कंप्रिहेंशन पैसेज शो होगा और उसके रूल्स भी मैं आपको सिखाऊंगी. ठीक है, तो आज के लेक्चर में नहीं, लेकिन ऑनबोर्ड हर लेक्चर में आपका एक कंप्रिहेंशन पैसेज आपको मिलेगा टेंसेस के लेक्चर्स के फौरन बाद. जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो हमारा टेंसेस का चार्ट कहां से शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? पहला टेंस फर्स्ट फॉर्म, राइट. उसके बाद आते हैं हमारे टेंसेस के चार्ट में दूसरा टेंस कौन सा है? दूसरा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. दूसरा टेंस सेकेंड फॉर्म. फर्स्ट टेंस फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड टेंस सेकेंड फॉर्म. जिस तरह मैं बोल रही हूं इस तरह मुझे कहना चाहिए कि हाँ जी बेटा, लाइव लेक्चर डेली होगा. और अगर आप लोगों ने अभी फिलहाल तो यूट्यूब के लिए भी ओपन है हमारे लेक्चर्स, लेकिन जैसे ही आपके ये फ्री डेज खत्म होते हैं तो आपको campus.pk पर ज्वाइन करना होगा अगर आप हमारे लेक्चर्स लेना चाहेंगे. तो मैं आ रही हूं इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे. कितनी आसानी से मैंने बोला, 6 टेंस जो कंटिन्यूअस के हैं, 6 के 6 में फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगती है. परफेक्ट टेंस 3 दफा आता है और तीनों में थर्ड फॉर्म लगती है. इनडेफिनिट के 3 टेंसेस हैं. पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला टेंस पहली फॉर्म. फिर दूसरा टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दूसरा टेंस दूसरी फॉर्म. इस हिसाब से कहना चाहिए तीसरा टेंस तीसरी फॉर्म. बट नहीं, मैं ऐसे नहीं कहूंगी. मैं नहीं कहूंगी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में तीसरी फॉर्म लगती है. नहीं कह सकती मैं ऐसा, क्योंकि मैंने एक कंडीशन बोली थी. थर्ड फॉर्म के लिए जरूरी है कि टेंस परफेक्ट हो. थर्ड फॉर्म सिर्फ परफेक्ट टेंस में लगती है, जबकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसमें कहीं आपको परफेक्ट का वर्ड नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा. ठीक है, तो हमने क्या करना है? थर्ड फॉर्म तो यहां लग नहीं सकती. फोर्थ फॉर्म को ट्राई करते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. उसके लिए जरूरी है कि यहां पर कंटिन्यूअस का वर्ड हो. तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसमें कहीं कंटिन्यूअस नहीं आ रहा. अगर कंटिन्यूअस नहीं आ रहा तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ing नहीं आ सकती. अब क्या बचा? अब बचा हमारे पास फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म पहले टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगी, दूसरे टेंस में दूसरी फॉर्म लगी. अब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तो हमारे पास जी संडे को भी क्लासेस होंगी. यस यू आर राइट. और हमारे पास क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट में? जो आपकी फर्स्ट फॉर्म आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में की, वही आप फ्यूचर इंडेफिनिट में भी यूज करोगे. मैंने बोला था फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म में से कोई एक फॉर्म है जो 2 टेंसेस में आती है और एक फॉर्म है जो 1 ही टेंस में आती है. सो फर्स्ट फॉर्म 2 टेंसेस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ्यूचर इंडेफिनिट में. जबकि सेकेंड फॉर्म, इस पूरे चार्ट को ध्यान से देखो, आपको अंदाजा होगा कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ 1 टेंस में आती है और वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. हम लोग अक्सर स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें बच्चे कहते हैं जी जो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, आपको कह दिया जाए बेटा लेटर लिखो, आपको कह दिया जाए बेटा एप्लीकेशन लिखो, आपको कह दिया जाए बेटा कोई स्टोरी लिखो, तो बेटा को ये समझ आ जाती है कि इसके अंदर कंटेंट जो है ना वो हमने पास्ट में रखना है. और पास्ट का मतलब पता नहीं क्यों स्टूडेंट समझ लेते हैं कि सेकेंड फॉर्म यूज करनी है बाय मैक्सिमम. ये गलत है. सिर्फ 1 टेंस ऐसा है 12 में से. इस पूरे आप पास्ट के टेंस में भी देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लग रही है, पास्ट कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लग रही है, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लग रही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लग रही है. तो ये जो सेकंड फॉर्म है ये पास्ट के टेबल में भी सिर्फ 8 टेंस में यूज होती है और कहीं यूज नहीं होती. सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ इट. बेसिक टेंसेस आर 3, टोटल टेंसेस आर 12, आउट ऑफ विच कंटिन्यूअस आर 6,
एंड वी यूज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इन ऑल कंटिन्यूअस टेंसेस. ठीक. देन वी हैव परफेक्ट. वी हैव थ्री परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विच कम्स एट नंबर थ्री ऑफ ईच टेंस. हर टेंस के थर्ड नंबर पर परफेक्ट टेंस है और थर्ड नंबर पर है, कुल तीन है, इनमें लगती भी थर्ड फॉर्म है. थर्ड फॉर्म के लिए जरूरी है कि वो सिर्फ परफेक्ट टेंस में हो सकती है और किसी में नहीं. अब आ जाते हैं जी प्रेजेंट इंडेफिनेट, पहला टेंस, पहली फॉर्म, पास्ट इंडेफिनेट, सेकंड टेंस, सेकंड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस. यहां पर हम बगैर कोई लॉजिक निकाले देखेंगे कि यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है. पास्ट में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी. अरुण आप ही कह रहे हो ये नेगेटिव में इस्तेमाल होगी या इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल होगी. मैं इस पे भी जाऊंगी. अभी तो बेसिकली अभी तो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो हमने सिर्फ एक डेमो दिया है, इसकी डिटेल में तो हमने जाना है. मैंने अभी तक क्या समझाया जिसकी वजह से मैंने वर्ड टेंस नहीं लिखा था और बाद में लिखा. मैंने बताया कि इनडेफिनेट को देखकर कौन सी फॉर्म लगानी है, कंटिन्यूअस को देखकर कौन सी फॉर्म लगानी है, परफेक्ट को देखकर कौन सी फॉर्म लगानी है और परफेक्ट कंटिन्यूअस को देख के कौन सी फॉर्म लगानी है. ये तो बच्चे मैंने बोला ही नहीं. प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंसेस कौन बताएगा, अभी हमने टेंसेस तो किए ही नहीं. अभी तो हमने सिर्फ ये किया अगर जुमला जारी हो, अगर जुमला मुकम्मल हो, अगर जुमला मुतलक हो. माजी हाल मुस्तकबिल का तो जिक्र आया ही नहीं. सो हमने क्या किया, हमने सिर्फ फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखी हैं. हमने टेंस देखने के लिए एक चीज और भी देखनी होती है और वो चीज और क्या होती है, वो होती है हेल्पिंग वर्ब्स. आपके इन 12 टेंसेस में फॉर्म ऑफ वर्ब क्या अप्लाई होगी हमने देख लिया. अब हम देखेंगे कि इनमें हेल्पिंग वर्ब्स क्या अप्लाई होते हैं. पहले करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस, फिर करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, फिर करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. राइट. तो पहले मैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ जा रही हूं जिसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं. एक्टिव वॉइस, ये 12 टेंसेस हैं और इन 12 टेंसेस में से 8 टेंस ऐसे होते हैं जिनके पैसिव होते हैं, बाकी 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनके पैसिव नहीं होते. तो हमने इन एक्टिव सेंटेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं. सबसे पहले जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. राइट. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अच्छा ये इससे भी पहले मैं इस पे आती हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे. 12 टेंसेस में सिर्फ एक टेंस आपने देखा है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है. इसको हम कहते हैं यूनिक टेंस, डिफरेंट टेंस, वखरा टेंस, डीप टेंस, जो मर्जी नाम आप इसको दो, क्योंकि ये टेंस ऐसा है जो वाकई में परेशान करता है. बैटरीज लो. ये एक टेंस है जो परेशान करता है, ये डिफरेंट है, ये आपको हमेशा मुसीबत में डाल के रखता है. इसकी एग्जाम्पल कैसे देंगे, एग्जाम्पल ऐसे देंगे कि ये टेंस हर जगह पे आपको तंग करेगा, हर जगह पे आपको तंग करेगा. कैसे, जब आप हम बात करते हैं ना कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जवाब आता है हूं और हैं, ये प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं. जब ये पूछा जाता है कि पास्ट टेंस को कौन से वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो आंसर आता है वाज, वर, ये पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं. जब आपसे पूछा जाता है कि फ्यूचर टेंस को कौन से वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो आंसर आता है विल, शैल, गा, गेगी, ये फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज अ रॉन्ग आंसर. ऐसा नहीं है. आपके पास अगर हम कहते हैं इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा नहीं है. अगर हम कहते हैं वॉज, वर्ब पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा भी नहीं है. अगर हम कहते हैं विल या शैल फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो यस, वो रिप्रेजेंट करते हैं. फ्यूचर टेंस कभी नहीं बन सकता जब तक उसमें विल या शैल ना हो. इसकी एग्जांपल आप यूं देखो, आपका जो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें आपके पास आपके सेंटेंस का फ्लो क्या बनता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट. इसमें हम कोई सेंटेंस लेते हैं जैसे आई लाइक क्लाउड्स, आई लाइक क्लाउड्स.
आपने इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं डाला, वो जो है हूं है क्वेश्चन का नहीं करवा रही। आप यूईटी का क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रही? बिल्कुल करवाऊंगी बेटा, मैं अभी बेस बना रही हूं, बेस बनाने दो मुझे टेंसेस की। अगर आपकी बेस स्ट्रांग हो गई मैं सब कुछ करवाऊंगी। मैं आपको यूटी के ही पास पेपर सामने रख के टेंसेस के बीच में से क्वेश्चन निकाल के कराऊंगी, लेकिन अगर आपको ये चीजें समझ आ गई तब, अगर मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन कराया और एक एक का आंसर दिया तो शायद आपको खुद को समझना आ रहा होगा कि मैं क्या चीज समझा रही हूँ। सो आप मेरे साथ पहले आप अपनी नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में, हर लेक्चर में आपको एक करवाया जाएगा एमसीक्यू कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, वो ई कैट वालों के लिए जरूरी है। आई नो दिस, मैं फंग को भी साथ लेकर चल रही हूँ और ई कैट को भी साथ लेकर चल रही हूँ, सो आई एम टेकिंग बोथ थिंग्स टुगेदर। ठीक है, अभी मैंने स्टार्ट किया है विद फंग, पर ग्रामर आपको सारी जिंदगी तंग करती है, सारी जिंदगी परेशान करती है, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे भी मूव करेंगे। 20 मिनट का मेरे पास रमजान शरीफ में लेक्चर आ रहा है, और 20 से 25 मिनट में, और मैं उसमें से 5-7 मिनट अभी आज का दिन, बेस के दिन में नहीं चाहती थी कि मैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में लगाऊं। फ्रॉम टुमारो इंशाल्लाह आई विल डू दैट। जी, आई लाइक क्लाउड्स हो गया। अब आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका फ्लो क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा? आई लाइक द क्लाउड्स। इन दो सेंटेंसेस को आप अगर गौर से देखते हैं तो आपको आइडिया होगा कि वो जो हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस को वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं इज एम आर, तो आपके पहले जुमले में ना इज है, ना एम है, ना आर है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में कहा जाता है कि वाज या वर्ब पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो गलत है। इस टेंस को ध्यान से देखो, इसमें ना वाज है, ना वर है, हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपके सब्जेक्ट के फौरन बाद आ गए। अब आ जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मैंने बेटा बड़ी आसानी से आपको कह दिया 6 टेंस ऐसे हैं जिनमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। ठीक है, मान लिया कंटिन्यूअस का देखते साथ ही पता चल गया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है, लेकिन ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है या नहीं, ये कोई फरिश्ता थोड़ी बताएगा, ये भी तो हमें खुद ही लोकेट करना है, खुद ही अंदाजा करना है। ठीक है, ओके। तो हमारे पास अब मेरा एक क्वेश्चन और भी आपकी तरफ आने लगा है। रमजान का टाइम टेबल क्या है? आज से जो टाइम टेबल हम जिस पर चल रहे हैं ये आपका रमजान टाइम टेबल है। हमने क्योंकि रमजान 2 दिन बाद शुरू हो रहा था और ईकेट 2 दिन पहले शुरू हो रहा था, तो हमने बजाय इसके के टाइमिंग्स को 2 दिन के बाद ही चेंज करते, हमने आज से टाइम वही रख दिया है जो आपका रमजान टाइम होगा। ठीक है, तो दिस विल बी द रमजान टाइमिंग ऑल्सो। मेरा एक सवाल का जवाब दे दें। मेरा सवाल ये है, फर्स्ट फॉर्म हमने टेंसेस के चार्ट में कितनी दफा यूज की है? मैं साइड पे हो रही हूं, आप मुझे बताइए। फर्स्ट फॉर्म इस पूरे चार्ट में कितनी दफा यूज हुई है? हरी अप, काउंट इट एंड आंसर मी। जी अरुण कुमार, अरुण कुमार, आई एम योर ब्रदर, ये कौन सा टेंस है? ये भी इनडेफिनेट टेंस ही है, जब प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस ही है, आई एम योर ब्रदर। लेकिन आप जब भी मैं आपका भाई हूं, इसमें सिर्फ एक चीज नहीं आपको इंग्लिश सीखने में आनी करनी होती। इनडेफिनेट का मतलब होता है मुतलिक, जिसमें किसी चीज की हालत बताई जाती है। थोड़ा मैं डिटेल्स में जाऊंगी, अभी मुझे यही सेंटेंस जब मैं एक एक टेंस करके सेपरेट करने लगूंगी तो फिर मेरे सामने रखना, तो फिर मैं आपको दोबारा बताऊंगी कि इनडेफिनेट की कंडीशंस क्या क्या हैं। उसमें आपने किसी भी चीज की फितरत या हालत बतानी होती है। ठीक है, 8। अच्छा जी, आंसर आ रहा है 7 times हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की, 8 times हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की। मेरी बातें आप ध्यान से नहीं सुन रहे, मेरे क्वेश्चंस बड़े छोटे छोटे थे लेकिन आप ध्यान से नहीं सुन रहे। आंसर आ रहा है 8, 7 और 9। मैंने आपको बोला था कि हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितनी यूज कर रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हमने एक फेक नेम दिया। यस,
सैयद फरहान तो मेरे स्टूडेंट हो ना, इसीलिए तुमने आंसर किया है क्योंकि मैं तुम्हें ये पहले पढ़ा चुकी हूँ। आप भी मेरी स्टूडेंट हो, आई नो दिस। अच्छा, अब यहां पर देखो कि आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड और जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी थी उसको हमने फोर्थ फॉर्म का नाम दिया, राइट? फोर्थ फॉर्म का। तो जो कंटिन्यूअस टेंस है, मैंने ये फोर्थ फॉर्म का नाम फेक नेम क्यों दिया था, ताकि आपको समझ आ जाए कि फर्स्ट फॉर्म अलग होती है और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अलग होती है, इनके ट्रेड्स ही एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये तो हमने सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज की है, बाकी टेंसेस में तो हमने फोर्थ फॉर्म यूज की थी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सो जस्ट ट्वाइस वी हैव यूज्ड फर्स्ट फॉर्म इन ऑल द टेंसेस, दो दफा, सेकेंड फॉर्म एक दफा, थर्ड फॉर्म तीन दफा, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म सिक्स टाइम्स। ये एट में वो सिक्स काउंट मत करें आप, ठीक है? अच्छा, अब आप ये देखो, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है इसमें और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिफरेंस क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपके सब्जेक्ट के फौरन बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग गई, जबकि फ्यूचर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, कभी नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर विल या शैल ना लगे। तो फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं आइदर विल और शैल, विल या शैल। और ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा कि विल शैल के बाद फॉरन बाद अगर कोई फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो सकती है ना, तो वो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। और इसके साथ साथ मैं एक और बात भी कही जा रही हूं कि विल शैल के बगैर आपका फ्यूचर टेंस नहीं बनता, ये भी मैं आपको बताए जा रही हूं। तो कितनी अजीब बात मैंने आपको बताई है। एक तरफ मैं कह रही हूं विल शैल के बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लग सकती है, और साथ साथ बाकी टेंसेज में विल शैल लगाई जा रही हूं। यहां विल शैल के बाद फोर्थ फॉर्म लगा दी, यहां विल शैल के बाद थर्ड फॉर्म है, यहां विल शैल के बाद अगेन फोर्थ फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म तो बिचारी विल शैल के साथ आई एक दफा सकती है, दूसरी दफा तो उसका कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं होता। तो मैंने ये लाइन क्यों बोली, इसकी डिटेल मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगी। लेट मी चेक, अगर आज हमारे पास टाइम है तो जरूर समझा दूंगी, अगर आज टाइम नहीं है तो फिर कल की क्लास में समझाऊंगी। आई थिंक इट्स टाइम, टाइम इज अप, 20 तक जाना था और मैं 37 तक चली गई हूँ। मुझे उम्मीद है कि जितना पढ़ा है उतना समझ आया होगा। और मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि मैं जो पढ़ाती हूँ ना, जितनी ईमानदारी से देती हूँ ना बेटा, उसे डबल ईमानदारी से वापस भी लेती हूँ। सो कल जब मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूंगी तो मैंने इतनी आसानी से नहीं स्टार्ट करना, मेरा जो फ्लो चार्ट है जहां तक मैं बना चुकी इतना मेरे साथ आप बनाएंगे, मुझे आइडिया होगा कि आपको इतना आ गया तो फिर मैंने आगे जाना है, वरना मुझे दो तीन दिन इसके ऊपर अटकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेहतर यह है कि जो मैंने कराया उसको आप 20 मिनट्स आर लेफ्ट इन व्हाट क्लास में, मेरी क्लास दैट वाज ओनली ऑफ 20 मिनट्स, सो खत्म हो गया टाइम। लेट मी कंफर्म, 4:40 पे स्टार्ट हुई थी, 5:20 तक जाना था। ठीक है बेटा, कल फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कल हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है? और फिर हम हर टेंस को पहचानने के बाद टेंसेस की करेक्शन पे भी मूव करेंगे, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस करने हैं और फिर हम टेंसेस की करेक्शन करेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि कल या परसों से आपको डेली बेसिस पर कॉम्प्रिहेंशन भी प्रोवाइड कर दिया जाए। मुझे आसानी है, थोड़ी देर के लिए कॉम्प्रिहेंशन पैसेज डिस्प्ले होगा और उसके क्वेश्चंस आएंगे और वो सिस्टम ही आपको उसके आंसर बता देगा। लेकिन ये वो चीज है, ये वो प्रैक्टिस है जो आप साथ साथ करेंगे। लेकिन जब टीचर बोल रहा होता है ना, तो वो जो दे रहा होता है ना, वो अपना बेस्ट दे रहा होता है, अपना अपने अंदर से निकाल के दे रहा होता है नॉलेज। तो वो जितनी मिल जाए थोड़ी उसे जरूर गेन किया करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।